everybody i had uploaded a video on dipole moment on the youtube and after that uh, some of the students requested me to upload a video on cis and trans isomers where we can compare their dipole moment the melting point the solubility the density and the boiling point of the ट्रांस आइजूमर लेटिन कंसेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट अब डायपोल मोमेंट पे सीधा सीधा जाने की बजाय पहले थोड़ा सा सिस एंड ट्रांस आइजूमर क्या है ये देख लेते हैं स्टूडेंट द बेसिक The basic compound in which we studied cis trans isomer was alkene. You all know cis trans isomer is due to restricted rotation about the pi bond. अब जब मैंने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया ये दो वैलेंसी इस कार्बन के बाकी हैं दो वैलेंसी इस वाले कार्बन के भी बाकी हैं मान लेते हैं यहां पर हमने ले लिया ए यहां हमने ले लिया बी यहां हमने लिया सी और यहां हमने ले लिया डी अब जब आप सिस ट्रांस आइसोमर बना रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी ए और बी कभी सेम नहीं होना चाहिए एंड ए शुड बी इक्वल टू आइदर सी और डी अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है मान लीजिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर और उसका ट्रांस आइजोमर हमें बनाना है ये मैं मॉलिक्यूल लिख रही हूं सी डबल बॉन्ड सी मान लीजिए यहां है H सी एल और यहां है एच सी एल इसका सिर्फ ट्रांस आइजोमर बन सकता है देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी यहां पे मैंने इसको किसी भी एक को ए पकड़ लो और दूसरे को बी पकड़ लो ये ए और B पकड़ ले अब मान लो मैं यहां पर सिस लिख रही हूं और मैं यहां पर ट्रांस आइजोमर लिख रही हूं तो आप सबको पता है सिस में सिमिलर ग्रुप इज ऑन द सेम साइड सिमिलर ग्रुप इज ऑन द सेम साइड और द सिमिलर आटम इज ऑन द सेम साइड तो ये मैंने यहां पर H लिख दिया और यहां पे मैंने D लिख दिया जो कि है Cl. अब आप देख रहे हो सिमिलर ग्रुप इज ऑन द सेम साइड ये देखिए ये सिमिलर है ये जस्ट अट ये देखिए ये एच और ये एच ये सेम साइड पे है ऑफ द डबल बॉन्ड ये सेम साइड पे है ऑफ द डबल बॉन्ड सो वी कॉल इट सिस वन टू लेट अस कम हियर टू द ट्रांसफॉर्म ट्रांस वाला कैसे बनाएंगे हम वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये एक मिनट ये देखिए मैंने काबन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिया यहां पे मैंने एच लिखा यहां पे मैंने सीएल लिख दिया इधर मैंने सी एल लिखा और एच मैंने नीचे ले लिया नाउ वेन द सिमिलर ग्रुप सिमिलर आर एक्रॉस द डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ये अक्रॉस है आप देख रहे हैं ये अक्रॉस है वेन दे आर एक्रॉस द डबल बॉन्ड इट इज अ ट्रांस आईजूमर अब ये बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल था इसमें दो दो ग्रुप थे हमारे पास दो सेट थे टू हैव ऑन द सेम साइड और अक्रॉस बट अगर एक सेट भी हो जैसे कि ये सी डबल बॉन्ड सी मैंने लिया ओके okay? और यहां मैंने ले लिया एच सी एच थ्री और यहां मैंने ले लिया एच सी टू एच फाइव अब अगर हम सिस ट्रांस बनाएंगे पहले हमें कॉमन सेट निकाल लेना है दोनों एटम पे देखिए ये H और ये H, यानी एक शुड बी इक्वल टू C. ऑर डी कंपल्सरी नहीं है यहां पे A वॉज इक्वल टू C. और डी दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए दोनों नहीं हो सकता है नाउ आई राइट इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल सी बाकी दोनों ग्रुप तो अलग हैं, जैसे कि ये मैं यहाँ लिख रही हूँ सी एच थ्री है और यहां मैं लिख रही हूँ सी टू एच फाइव है तो बाकी दो ग्रुप अलग हैं, लेकिन चलेगा वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर एक सेट भी हमारे पास है और हम उसे ऑन द सेम साइड एंड अक्रॉस अरेंज कर दें ये एक सेट है और हम उसे ऑन द सेम साइड दें तो हो गया हो गया जरूरी नहीं है दूसरा वाला भी अभी ये यह यहां पर ये वाला मैच नहीं हो रहा है ये ये सी एच थ्री है और ये सी टू एच फाइव है चलेगा कोई बात नहीं एक हमें मिल गया ना बस एक सेट होना चाहिए अक्रॉस इधर दोनों सेट है देखिए ये भी मैच हो रहा है ये भी मैच हो रहा है ये और ये वाला सेट भी मैच हो रहा है आपस में वो तो बेस्ट है लेकिन इवन इफ यू गेट वन सेट इट इज ओके नाउ वी मूव अहेड अब एक बार सिर्फ हमारा रिवीजन हो गया आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये तो हमें आता है कोई बात नहीं जस्ट डन अ क्विक रिविजन विच विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू एंड नाउ वी मूव टू डाइपोल मोमेंट मेल्टिंग पॉइंट सोल्यूबिलिटी डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट नाओ आई एम जस्ट बाइफरकेटिंग विदेल्प ऑफ दिस कॉलम सिस ट्रांस आप मान लीजिए यहां पर हम सिस आइस होमर डिस्कस कर रहे हैं एंड हियर वी आर डिस्क ट्रांस आइस होमर सिंस अब सबसे पहला वाला फंडा लेते हैं डायपोल मोवमेंट का ठीक है इधर लिखते हैं डायपोल मोवमेंट the very first thing dipole moment okay in cis isomer dipole moment of polar groups have additive effect thus they have higher dipole moment than corresponding trans isomer देखिए इसका मतलब क्या हुआ अब मान लीजिए मैं एक से साइज बना रही हूँ ये देखिए मैंने बना दिया से साइज ठीक है ये वाला बना लेते हैं वही ले लेते हैं हमारा जो पहला एग्जांपल था सी एल यहाँ पे सी एल इधर H और इधर H सेम वे इधर ले लेते हैं इधर सी एल यहाँ पे सी एल इधर इधर एच ठीक है, है सिस्टम अब अगर आप एकदम ध्यान से समझें डायपोल मोमेंट क्या होता है हमें इसके वेक्टर्स को ऐड करना है ठीक है वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ये वेक्टर है मान लीजिए ऐसा तो इसका जो एरो है एरो एरो इसका जो एरो है इट विल पॉइंट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम यानी कि ये वेक्टर है तो इसका जो एरो है विल एरोस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम फॉर दिस कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड सेम वे हियर कार्बन क्लोरीन इट विल पॉइंट टूवर्ड्स क्लोरीन अब आप देखिए ये दोनों वेक्टर आपस में एड हो रहे हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलार ग्रुप्स ये पोलार है ना ये इलेक्ट्रोन नेगेटिव है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कार्बन सेम वे ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोन नेगेटिव है और ये जो इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक साथ एक ही जगह एक ही बॉन्ड में जब इकट्ठा हो जाता है तो सचा बॉन्ड इज पोलार बॉन्ड और इसको डायफुल भी कहते हैं जब एक ही बॉन्ड में एक कोने पे पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है दूसरे कोने पे नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहते हैं पोलार बॉन्ड उसको कहते हैं डायपोल और इस डायपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर यूज करते हैं और वेक्टर का जो एरो है जो खोपड़िया है जो हेड है इट पॉइंट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब आप देखेंगे ये वेक्टर दोनों सेम साइड में मूव हो रहे हैं ऑपोजिट में मूव नहीं हो रहे हैं इसलिए ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक डैश डालते हैं ये एकदम प्रॉपर सिंबल हो गया वेक्टर का ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सेम में हैं और इस तरह से सिस सेलोरोन का डायपोल मोमेंट आता है 1.89 पॉइंट देखिए बच्चों हमें ये वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है 1.89 पॉइंट डी ये वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है फिर मैंने ये वैल्यू क्यों बताया मैंने ये वैल्यू सिर्फ इसलिए बताया कि ठीक है जस्ट आप एक रेफर, रेफर करो, हाँ भाई आया आप सेम थिंग इधर बनाते हैं ये वेक्टर आप देखिए क्लोरीन की तरफ मूव हो रहा है लेकिन ये वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है और सबने पढ़ा है स्केलार्स एंड वेक्टर्स में फिजिक्स में कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स मूव होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड कैंसिल करने की वजह से इनका डायपोल मोमेंट आ गया जीरो सो इट हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट तो साइजोमर डायपोल मोमेंट इज मच मच मोर देन ट्रांस आइजोम आई होप दिस इज क्लियर करेक्ट अब इसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेल्टिंग पॉइंट तो लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मेल्टिंग पॉइंट ओके अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या है सिस है, ट्रांस है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है यही हमें फाइंड करना है सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझेगा ये जो ट्रांस आइजोमर है ये जो ट्रांस आइजोमर है आप देखिए उसे ये सिमेट्रिकल है ट्रांस आइजोमर में सिमेट्री है पहले ये चीज समझ लिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है ट्रांस वन टू डाइक्लोरोन का ये दूसरा मॉलिक्यूल है ट्रांस वन टू डाइक्लोरोन का ये तीसरा मॉलिक्यूल है ट्रांस वन टू डाइक्लोरोन का और ये चौथा मॉलिक्यूल है ट्रांस वन टू डाइक्लोरोन का डोंट वरी मैं यही बोलते नहीं जाऊंगी बट समझने के लिए इतना कहना जरूरी है अब जब आप इसे मेल्ट करेंगे ना तो ये जो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो ये जो आप देख रहे हैं ना मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए हैं इसको आपको लूज करना है और जब ये लूज हो गया ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये जो कॉम्पैक्ट है एकदम सॉलिड है ये मेल्ट हो जाएगा अब हमें यहाँ क्या आना चाहिए कि जो सिमेट्री है ना वो सिमेट्री हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू कॉम्पैक्टनेस को यानी कोई भी स्ट्रक्चर जितना सिमेट्रिकल होगा उतना एक दूसरे में फिट हो जाएगा और जितना एक दूसरे में फिट हो जाएगा उतना वो कॉम्पैक्ट होगा तो ट्रांस आइसोमर सिमेट्री की वजह से बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही प्रॉपरली फिट है उसके मॉलिक्यूल फिट हैं इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस यानी ये जो मैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाऊ स्पेस में मॉलिक्यूल का ये जो मैं मॉलिक्यूल बनाते जा रही हूं ऐसा एक एक लेके तो ये जो शेप बनेगा ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है यानी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड इन स्पेस अब क्योंकि ट्रांसिमेट्रिक है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे में अच्छे से फिट है क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है इसलिए उसका क्रिस्टल लैटिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसके लैटिस एनर्जी बहुत ही हाई है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी अब इतने कॉम्पैक्ट को लूज करने के लिए हीट एनर्जी तो बच्चों ज्यादा लगेगी इसलिए इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देखेंट्रिकल तो नहीं है सिमेट्रिकल नहीं होने की वजह से कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे में अच्छे से फिट नहीं होते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाता है उसका लेटिस एनर्जी हाई नहीं है तो इस वजह से सिस का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है दे पॉइंट इसके बाद आता है सलिबिलिटी। देखिए इसी बात पे सलिबिलिटी आ जाएगा हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं सल्यूबिलिटी यानी पानी में मिक्स हो जाना मतलब मतलब ये जो हमने डिस्कस किया था ये ये जो ये जो ये जो कॉम्पैक्टनेस है ये जो चिपका है एक दूसरे से इसको हमें दूर करना है लेकिन इसको दूर करने के लिए हम पानी यूज कर रहे हैं इनको दूर दूर करने के लिए हम पानी यूज कर रहे हैं और जब पानी में हम उसे डिजॉल्व कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सल्यूबिलिटी करेक्ट अब सीधी बात है ट्रांस आइजोमर ज्यादा सिमेट्रिक है ट्रांस ज्यादा कॉम्पैक्ट है ट्रांस के मॉलिक्यूल का फिटिंग बहुत ही अच्छा है

ऑलरेडी दूर दूर है ज्यादा सिमेट्री नहीं है ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है आराम से पानी में वो घुल मिल जाएगा सो हैव हायर सोल्यूबिलिटी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स इज डेंसिटी विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट ओनली डेंसिटी ना वी ऑल नो डेंसिटी इज डीज मासन वॉल्यूम अप जो कॉम्पैक्ट है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है सोचने की बात है उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कम होगा ये प्रांस आइजोम सिमेट्रिक है बराबर है सिमेट्रिक होने की वजह से कॉम्पैक्ट है कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसका वॉल्यूम कम है वॉल्यूम कम होने की वजह से आइजोमर है तो मास तो मास सेम होगा ना, यानी कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि सेम मास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम मास अगर सेम मास को मैं छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करूंगी तो डेंसिटी हायर आएगा यानी कि जो ट्रांस आइसोमर है उसका डेंसिटी हायर है लेकिन अगर मैं सिस आइसोमर लू तो सिस आइसोमर का वॉल्यूम बड़ा है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं है कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से उसका वॉल्यूम बड़ा है वॉल्यूम बड़ा होने की वजह से उसका डेंसिटी लोअर है करेक्ट इट्स डेंसिटी इज लोअर आई होप इतना तो सभी को क्लियर है एवरी 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 बर्डी इट इज क्लियर अब इसके आगे जाते हैं नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग

बॉइलिंग पॉइंट यानी कि लिक्विड लिक्विड को बॉइल करते हैं ना भाई सॉलिड को तो बॉइल नहीं करेंगे ना सॉलिड को तो पहले मेल्ट करेंगे अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाना है साइजोमर में क्या होता है सपोज मेरे पास ये साइजोमर है ठीक है ये सिजोमर का एक मॉलिक्यूल है ये मैंने लिया ठीक है इस मॉलिक्यूल का मुझे इस मॉलिक्यूल का ये ये हम ऐसा बना देते इस मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग है इसी के जैसे बाजू वाले मॉलिक्यूल से उसको हमें बढ़ाना है बट ध्यान दीजिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ फर्क है देखते हैं वो क्या है वॉट आई मीन आल जस्ट टेल यू सी ओके आ जाते हैं हम देखिए ओके okay. नाउ पहले वाले पेज पे थोड़ा सा हम जाएंगे ये देखो ये अब मैंने कहा था जब मॉलिक्यूल एक दूसरे में घुसे हुए हैं जैसे कि इधर ये ट्रांस सिमेट्रिकल है उसके मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक हैं तो मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है ले, सिस से अब वो मेल्ट हो गया और अब वो लिक्विड बन गया ये ऑलरेडी लिक्विड है और मुझे इसे बॉइल करके गैस बनाना है अब देखो अब जो फंक्शन करेगा वो कॉम्पैक्टनेस फंक्शन नहीं करेगा लेकिन इन दोनों के बीच का ऑलरेडी लिक्विड है तो कॉम्पैक्ट क्या है लिक्विड है वो ऑलरेडी ट्रांस भी ऑलरेडी लिक्विड है चाहे हो या ट्रांस हो अब ये ऑलरेडी लिक्विड है अब इनका मुझे बॉन्डिंग देखना है अब अगर मैं इसका ये वाला एरिया देखूं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इसको डायपोल कहते हैं सिमिलरली जब मैं इधर देखती हूं तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये भी डायपोल है और इस डायपोल को ये वाला डायपोल कैंसिल नहीं करता लेकिन ऐड करता है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है मतलब कि इसमें डायपोल है इट हैज अ गुड डायपोल मोमेंट जो कि हमने बिल्कुल फर्स्ट जब हमने लेक्चर शुरू किया इधर ये देखिए इसका डायपोल मोमेंट है सिस्का वन पॉइंट एट नाइन ट हैपन्स इज ये जो ये जो क्लोरीन है ये जो क्लोरीन और ये जो कार्बन और क्लोरीन का डायपोल है और ये कार्बन क्लोरीन का डायपोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है दे अट्रैक्ट इच अदर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है दे अट्रैक्ट इच अदर अब अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है इट हैज अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है तो बॉइल करना डिफिकल्ट है अगर बॉइल करना डिफिकल्ट है तो सीधी बात है सिस का पॉइंट हायर है और ये जो अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इस अट्रैक्शन को नाम दिया गया है डायपोल डाइपोल इंटरैक्शन नाउ आई एम मेकिंग द ट्रांसाइस ये मैंने ट्रांस बनाया इधर एक सीएल है इधर एक सीएल है सेम वे हि इधर एक एच है इधर एक एच है इधर एक सीएल है इधर एक सीएल है, इधरेक है इधरेक नाउ okay, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये एक डायपोल है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है ये एक डायपोल है लेकिन हमने ले किया था ये डायपोल का डायरेक्शन इधर है और इस डायपोल का डायरेक्शन इधर है ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं यानी कि डायपोल मोमेंट जीरो है अगर डायपोल मोमेंट जीरो इधर है जीरो इधर है मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन कोई भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं है सो इन द टू ट्रांस आइजोमर मॉलिक्यूल्स द डायपोल डायपोल इंटरक्शन इज नॉट देयर अगर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं है मतलब इसको बॉइल करना वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो है अब जीरो डायपोल मोमेंट वाला ट्रांस दूसरे जीरो डायपोल मोमेंट वाले ट्रांस के बाजू में है और मुझे नो अट्रैक्शन नो डायपोल डायपोल इंटरक्शन नो सो बॉइलिंग बिकम्स इजी इफ बॉयलिंग इज इजियर माई डीयर देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी Lower so the boiling point of cis isomer is lower than that of the trans isomer. I hope the lecture is clear to everybody. I will end the lecture now. Love and blessings to all of you. Bye bye. Take care.